बताएंगे कि जो आज ब्रिज की रस्सियां हुए हैं, भजन के हुए हैं, क्या कार्यक्रम रहा आज का? जो मथुरा की लेडीज टोली है वो हमको रस्सियाओं के द्वारा, भजनों के द्वारा हमारा ब्रिज का क्षेत्र हमको समर्थन देने के लिए आई और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हमारे किसानों के वो साथ। आज काफी संख्या में किसानों की भीड़ भी जुटी है, तो क्या मानकर चलते हैं कि किसानों में जो उत्साह है फिर से लौट रहा है? बिल्कुल, कल और ज्यादा भीड़ होगी। कल क्या है? हाँ, कल 23 दिसंबर है, मथुरा से हमारी वो 23 मार्च शहीदी दिवस है कल, और मथुरा से पैदल चल के हमारे यहाँ पद यात्रा है। आज रात को मीट रोड ठहरेंगे वो। अच्छा, मीट रोड स्टे होगा आज रात को। रात को वहाँ खाना खिलाया जाएगा और सुबह यहाँ आएंगे। यहाँ सीमा चौधरी। सीमा जी, आपने भजन गाए हैं आज, ब्रिज के क्षेत्र से भी आते हैं आप, मथुरा से आए हैं, क्या कहेंगे, किसान आंदोलन चल रहा है? हाँ जी, ये हम किसानों के आंदोलन में भजन अपने किसानों के रसिया और होली के रसिया सुनाने के लिए आए। हम इनके किसानों को इसलिए हौसला देने के लिए आए कि किसान अकेले नहीं है, तो किसान के पीछे ही सब हैं, सभी किसान के पीछे। अगर किसान नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, इसलिए हम मथुरा से चल के आए हैं यहाँ किसानों को समर्थन देने के लिए। कितनी टीम आई है, कितने मंडल? हमारी 10 आई है। 10 आई है, तो आप जो नृत्य कर, जो हमारी संस्कृति है, लोक संस्कृति है, ये ब्रिज की संस्कृति है, तो ये होली के अवसर पर ही होते हैं? हाँ, ये हमारे होली के अवसर पर तो ज्यादा ही होते हैं। वैसे हमारे कान्हा जी के जो भजन चलते हैं, तो राधा जी ने और कान्हा जी ने जो नृत्य किया था, उनकी लीला पे हम भजन सुनाते हैं और हम अपना नृत्य करते हैं उनके स्वरूप में। तो जो श्रोता होते हैं, जो दर्शक होते हैं, सुनने वाले होते हैं,
कैसा महसूस करते हैं वो, आपको उतना सुनते हैं? वो एकदम भक्ति में हो जाते हैं, वो भगवान का एक रूप हो जाते हैं, उस वक्त भगवान में लीन हो जाते हैं, भजन में लीन हो जाते हैं। होली का जो आपकी होली, जो ब्रिज की होली है, रंगों की होली है, चंदन की तलक लगाते हैं, रंग भी डालते हैं दूसरे ऊपर, अब होली का त्यौहार धीरे धीरे बदलता जा रहा है, वजह क्या है उसके पीछे, क्या वजह होती है? भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ होली खेली थी, तो उन्हीं की लीलाओं पर हम चल रहे हैं ब्रजवासी, तो इसीलिए हम अपनी लीलाओं का यहाँ वर्णन करने के लिए, किसानों को सुनाने के लिए, कुछ किसानों के गीत सुनाने के लिए, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए मकर।